उस दिन हमने जो प्रॉपर्टी थी एडिशन में इंटीजर की, वो हमने देख ली थी भाई। जो भी प्रॉपर्टी थी एडिशन में वो सारी देख ली थी। आज हम मल्टीप्लाई में देखेंगे, मल्टीप्लेशन में देखेंगे। तो प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लेशन इंटीजर, तो सबसे पहले है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में, क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं आपको पता है? बद्ध नियम। तो बद्ध नियम क्या होता है कि टू टू इंटीजर, कोई भी टू इंटीजर अगर उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो आंसर प्राप्त होता है वो भी एक इंटीजर होता है। जो भी दो इंटीजर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर हमें जो आंसर मिलेगा वो आंसर भी किस में होगा? इंटीजर में होगा। यानी ए कोई इंटीजर है, अगर ए कोई इंटीजर है और बी कोई इंटीजर है और ए और बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो सी हमें मिलेगा आंसर वो भी क्या होगा? इंटीजर में होगा। दूसरी है आपकी कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी का मैंने हिंदी बता दिया था, क्रम विनिमय नियम। तो क्रम विनिमय नियम का मतलब है कि चाहे ए और बी को मल्टीप्लाई कर लो या बी और ए को मल्टीप्लाई कर लो, दोनों का आंसर क्या आएगा? इक्वल आएगा। या तो ए कोई इंटीजर है, बी कोई इंटीजर है, ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे और बी और ए को मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या आएगी? इक्वल आएगी। तीसरी है आपकी जैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को बोलते हैं सहचर्य नियम। तो सहचर्य नियम, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्रम विनिमय नियम, और आपकी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं बद्ध नियम। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई सहचर्य नियम। सहचर्य नियम का जो फॉर्मूला है वो है आपका ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी इज इक्वल ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। तो ये फॉर्मूला जो एडिशन में था वहाँ पर, यहाँ पे एडिशन आ रहा था, जैसे ए प्लस बी प्लस सी ये एडिशन में आ रहा था, लेकिन यहाँ पे किसकी बात हो रही है? मल्टीप्लाई की। तो मल्टीप्लाई में क्या आएगा? ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी प्लस ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। नेक्स्ट है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। एडिशन में योग में गुणन का बंटन नियम। तो डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है बांटना यानी तोड़ना। तो एडिशन में जब मल्टीप्लाई हो तो उसमें जो आपका बंटन जो रूल है, बंटन जो नियम है, डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रॉपर्टी है वो कैसे लागू होती है? वो होती है ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी। तो इसको कैसे तोड़ेंगे? ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी। तो ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट है आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मतलब किसी भी डिजिट को, किसी भी इंटीजर को अगर वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस वो इंटीजर ही आता है। चाहे ए को वन से मल्टीप्लाई कर लो, चाहे वन को ए से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर जो आएगा वो आंसर क्या आएगा? ए ही आएगा। फिर है मल्टीप्लेटी इनवर्स। इनवर्स में ए का जो इनवर्स होगा, ए का इनवर्स मतलब उल्टा, ए का जो मल्टीप्लाई में जो इनवर्स होगा वो होगा वन अपॉन ए। अगर इंटीजर और उसके इनवर्स को मल्टीप्लाई करते हैं या इनवर्स और इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा आंसर क्या आएगा? वन ही आएगा। बात करती हूँ एक्सरसाइज 1.2। तो 1.2 के अंदर माइनस का 14 मल्टीप्लाई 26। तो माइनस का क्या आएगा? पता चल रहा है कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी, क्रम ए मल्टीप्लाई बी। देखो यहाँ पे ए आ गया तो यहाँ पे बी आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा?
26, ये माइनस का नहीं आएगा। नेक्स्ट देखो, 13 मल्टीप्लाई 26 प्लस 18 इक्वल 26 मल्टीप्लाई सॉरी 13 मल्टीप्लाई 26, पता चल रहा है कौन सी है? डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ये हो गया 13 मल्टीप्लाई 26 प्लस 18, तो 13 मल्टीप्लाई 26, तो यहाँ पे क्या आएगा? 13 मल्टीप्लाई 18। इंटीजर और उसके इनवर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? हमेशा 1। 306 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 0 आ जाए? तो किसको किससे मल्टीप्लाई करूँ? 0 से। माइनस का 79 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 1 आए? तो माइनस का 1/79 से, माइनस का 1/79 से मल्टीप्लाई करने पर। नेक्स्ट है 28 मल्टीप्लाई 36 माइनस 10, तो 28 मल्टीप्लाई 36 माइनस 28 मल्टीप्लाई क्या आएगा? 10। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, उसका आंसर निकालना। तो आपको आपका एक होमवर्क मान लो, तो आपका होमवर्क है कि मल्टीप्लाई आता ही है, 225 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, 56 को मल्टीप्लाई करना है 15 से, 105 को मल्टीप्लाई करना है माइनस के 7 से। ठीक है, और पहले आप इनको मल्टीप्लाई करो, फिर मैं इनके साइन जो आएगा वो मैं बता दूंगी। ठीक है, थैंक यू।